ये जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है आप देख रहे हैं, ये है पेट्रोल इंजन और ये है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। और ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है 1.3 लीटर का डीजल इंजन है इस गाड़ी में। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ न्यू ड्राइवर्स के लिए या फिर जो नए नए हैं गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो उनको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का कैसा बिहेवियर रहता है, यानी कि मोटे मोटे तौर में चलाने में इन गाड़ियों में, इन दोनों इंजन में, इन दोनों इंजन के बिहेवियर में क्या क्या अंतर है। यानी कि आप मोटे मोटे तौर पर आपको पता चल जाएगा कि डीजल में क्या अंतर है और पेट्रोल में क्या अंतर है। क्या डीजल और पेट्रोल में? अरे भाई साहब, दोनों की स्मेल अलग अलग होती है। डीजल जो है वो थोड़ा सा सस्ता आता है। डीजल मोस्टली मतलब कि औरतों के लौंडों के चढ़ जाता है, उल्टी उल्टी फेंक देते हैं। क्या और क्या डीजल और पेट्रोल में अंतर होगा? 10 रुपये का अंतर है, है ना? है ना? तो फिर इधर से माइक और सटक ले यहाँ से। तो आपको मैं इन दोनों गाड़ियों को चला के बताता हूँ और दोनों का जो है अलग अलग बिहेवियर बताता हूँ दोनों इंजन्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं उन नए ड्राइवर्स के लिए जो कि गाड़ी चलाना जब सीख रहे होते हैं। गाड़ी चलाना सीखते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होता है कि फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाना यानी कि पिकअप करना। तो ये चीज डीजल इंजन में सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि उसका टॉर्क ज़्यादा होता है और बिना किसी परेशानी के वो डीजल इंजन उठ जाता है और बिना एक्सीलेटर के उठ जाता है। उठने को तो ये पेट्रोल इंजन भी उठ जाएगा, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्लच को कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे छोड़ें। जैसे कि ये पेट्रोल इंजन है, मैं फर्स्ट गियर लगाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ूंगा तो ये बंद हो जाएगी, जैसे कि अभी ये बंद हो गई है। तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ और इसको मैंने उठाना है तो मुझे बड़े ही प्यार से इसको जो है क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना पड़ेगा। तो उठ तो गई, लेकिन ट्रिक अपनानी पड़ती है इसमें। थोड़ा सा जो है इंजन को परेशानी होती है पेट्रोल इंजन की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन जितना बड़ा इंजन होगा उतनी ही आसानी से उठेगा। लेकिन इसी साइज के डीजल इंजन को ऐसे उठाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम आ चुके हैं डीजल इंजन में और आप देख पा रहे हैं कि मैंने फर्स्ट गियर में लगाई हुई है और मैं इसको बड़े ही प्यार से रिलीज कर दूंगा। मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। देखिए मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, बड़े ही प्यार से पिक कर गई। तो ये चीज पेट्रोल गाड़ी में भी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मेरी गाड़ी जो है बंद ना हो जाए। ये देखिए फर्स्ट गियर, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं उस टाइम पे, तो अगर आप डीजल गाड़ी से सीख रहे होते तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। ये पेट्रोल होती है, अभी इतने में बंद हो जाती। तो जैसा कि आपने देखा फर्स्ट गियर में गाड़ी को पिक करने में जो है पेट्रोल इंजन के मुकाबले डीजल इंजन कहीं ज़्यादा जो है टेंशन फ्री रहता है। तो और उसके बाद बात करते हैं इनिशियल पिकअप की। क्लच रिलीज करने के बाद जो इनिशियल पिकअप होता है ना, वो पेट्रोल इंजन का शुरुआती RPM पे अच्छा रहता है। जैसे कि ये क्लच रिलीज करके मैं चल रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सीलेटर दबाऊँगा तो जो पेट्रोल इंजन है वो एकदम से आगे निकल जाएगा। यानी कि जो लो RPM पे जो परफॉर्मेंस है वो पेट्रोल इंजन की काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे कि मैं फर्स्ट गियर में एकदम से एक्सेलेट करना चाहता हूँ तो मेरा जो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है वो एकदम से एक्सेलेट हो जाएगी, और वही चीज़ डीजल इंजन वाली गाड़ी में उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। लेकिन जो पेट्रोल इंजन की एक लिमिटेशन है, जो मिड रेंज में है ना, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैट सी हो जाती है। लेकिन वहीं पर जो डीजल इंजन है वो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मैं उसमें करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं आ गया हूँ डीजल इंजन वाली गाड़ी में। इसमें जैसा कि मैंने उसमें बताया था आपको, जो है इनिशियल RPM पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिलता, जैसे कि फर्स्ट गियर में एकदम से डल सी है ये। अब देखिए उतने में तो पेट्रोल कब के कहाँ निकल जाती। देखिए फर्स्ट गियर लगा हुआ है, ये देखिए इसकी परफॉर्मेंस तब आ रही है जब इसका टर्बो ऑन हो रहा है। उससे नीचे तो ये बिल्कुल ही डल इसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन पेट्रोल का बिल्कुल अपोजिट है, लो RPM पे अच्छा परफॉर्म करेगी। और जो मिड रेंज की बात मैं कर रहा था, पेट्रोल इंजन जो है वहाँ पर बिल्कुल फ्लैट सा हो जाता है, लेकिन ये एक्टिव हो जाता है। देखिए 2 से 2500 RPM के आसपास ये मिड रेंज, 2 से 2500 से 3000 RPM पे ये एकदम एक्टिव है। और
इनिशियल पिकअप जो है वो पेट्रोल के मुकाबले डीजल इंजन का काफ़ी कम। एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको, ये इनिशियल आरपीएम पे है, बहुत ही डल। जैसे ही टर्बो ऑन हुआ यानी कि मिड रेंज में आई गाड़ी, तब जाके बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस इंजन की। तो अब बात करते हैं हाई आरपीएम पे परफॉर्मेंस की। तो मैं सबसे पहले डीजल से ही आपको बता देता हूँ, अब डीजल इंजन को मैं हाई आरपीएम पे चलाऊंगा तो कैसी परफॉर्मेंस है वो दिखाऊंगा, और वहीं मैं पेट्रोल इंजन का कंपैरिजन करूंगा उसके साथ हाई आरपीएम में कैसा परफॉर्म करता है। वैसे टेक्निकली तो पेट्रोल इंजन जो है हाई आरपीएम पे अच्छा परफॉर्म करता है, तो वही चीज़ मैं आपको इसमें एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा भी। तो ये डीजल इंजन है, सेकेंड गियर है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिड रेंज में ले जाता हूँ, जैसे 6-7 हज़ार आरपीएम। तीसरा गियर है तो मिड रेंज में तो इसने अच्छा परफॉर्म करा, जैसे ये 3,500-4,000 के बाहर गया तो ये है इसकी परफॉर्मेंस जो है उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि मिड रेंज में थी, जब टर्बो एकदम से एक्टिवेट होता है उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो हाई आरपीएम पे डीजल इंजन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि डीजल इंजन जो है उसके ज़्यादा आरपीएम भी नहीं होते, क्योंकि ये इसके जो रेड लाइन है वो 4,500-5,000 आरपीएम के आसपास होगी। वहीं जो पेट्रोल इंजन की रेड लाइन है वो जाती है आपकी 6,500 तक। जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिन गाड़ियों का, वो जो है 6,500 तक जाती है। मैं टिगोर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये डल होगी परफॉर्मेंस, पीछे काला धुआं छोड़ रही होगी। तो अब मैं हाई आरपीएम पे जो है पेट्रोल इंजन को चला के देखता हूँ। तो मैं बात कर रहा था हाई आरपीएम पे परफॉर्मेंस की पेट्रोल इंजन की, ये देखिए फर्स्ट गियर में कितनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। जहाँ डीजल इंजन डल हो जाता है उसके बाद जो है पेट्रोल इंजन उतना जो है हाई आरपीएम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो पेट्रोल इंजन है जो शुरुआती जो फर्स्ट गियर में उठाने वाली जो बात होती है उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, वहाँ पर डीजल इंजन जो है वो बिना किसी परेशानी के उठ जाता है। उसके बाद जो इनिशियल पिकअप की बात आती है यानी कि लो आरपीएम पे परफॉर्मेंस की बात आती है, उसमें जो है पेट्रोल इंजन अच्छा परफॉर्म करता है, और मिड रेंज में जो है डीजल इंजन की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहती है। उसके बाद आती है हाई आरपीएम पे परफॉर्मेंस की, वो है पेट्रोल इंजन जो कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है हाई आरपीएम पे। तो यानी कि कहने का मतलब है डीजल इंजन की परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ उसके जो टर्बोचार्जर वाली रेंज है उस रेंज में ही वो जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। मेरा क्या कहना नहीं पूछेगा, मेरा यही कहना है कि मेन डिफरेंस तो भैया पैसे का ही है दोनों में, 10 रुपए का अंतर है, और जो डीजल है वो ज्यादा माइलेज भी निकाल रहा है, इसी वजह से तो बिकता है। ऐसे ऐसे समझदार लोग मैं अपने साथ लेके घूमता हूँ। देखो ये देखो, ज्यादा समझदारी भी खतरनाक चीज होती है ना। प्रैक्टिकल चीज है, उनके ऊपर बिलीव करो। कंक्लूजन समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो थी एकदम नए बंदों के लिए थी जो नया नया गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, तो उनके एक जनरल सा आइडिया देना था, मतलब उनके लिए ये वीडियो थी।